बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू नाइन बायोलॉजी क्लास। नाइन बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 8, न्यूट्रिशन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो सारी की सारी डिस्कस करनी है कि न्यूट्रिशन आपके पास क्या है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिशन है ये बेटा इसमें जो ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह से जो हैं आपके पास किस तरह से ह्यूमन की फूड में ये अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। हमने टॉपिक जो शुरू किया हुआ है वो है हमारे पास विटामिंस। पेज नंबर है आपके पास 145, चैप्टर नंबर है 8, पेज नंबर है 145 और जो टॉपिक बेटा जी हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास विटामिंस। ठीक है, तो अगर हम विटामिंस की बात करें तो बेटा विटामिंस आपके पास ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में क्या होती है जरूरत होती है, लेकिन वो जो उनकी जरूरत होती है वो बहुत जरूरी होती है। अगर वो कम अमाउंट भी बॉडी को ना मिले तो जो बॉडी है आपके पास वो अपने जो प्रॉपर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बॉडी प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। क्लियर, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट बट दीज आर नेसेसरी फॉर द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। चलें, हमने टाइप देखी थी वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल। क्लियर, चलें अब आते हैं बेटा आपके पास जो आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं उनमें से जो पहला विटामिन है आपके पास विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो विटामिन ए है इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से बॉडी इसको हासिल करती है और किस तरह से यूटिलाइज करती है। ठीक है, विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब एमसीक्यू बेटा आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था कब, इन 1931। क्लियर, चलेंगे इन 1913। ये आपके पास फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन था। क्लियर हो गया, चलेंगे इट कंबाइंस विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रिडॉप्सिन। ठीक है, हमारी बॉडी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्सिन। ठीक है, ये जो विटामिन है ये उस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, मिलता है जाके और क्या बना देता है बेटा, रिडॉप्सिन इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, इट कंबाइंस with the opsin protein to form rhodopsin in the rod cells of retina of eye। ठीक है बेटा, देखें टेंथ में चला आप याद के आई का डिटेल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखें कि जो आपके पास आपकी आई की इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है बेटा, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स एक होते हैं कॉन्स। जो रॉड्स होते हैं बेटा वो होते हैं डिम लाइट के लिए। ठीक है, वो डिम लाइट को जो है डिटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, डिम लाइट सेंसरी सेल्स होते हैं ये। ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं कॉन्स। कॉन्स होते हैं आपके पास ब्राइट लाइट के लिए। अब विटामिन ए का क्या रोल है बेटा, विटामिन ए मिलता है एक प्रोटीन ऑप्सिन प्रोटीन के साथ, ठीक है, और क्या बनाता है, रिडॉप्सिन। अब ये जो रिडॉप्सिन है ये रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो रॉड सेल है आपके पास वो कहां पे प्रेजेंट है, रेटिना ऑफ द आई। रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर आई। ठीक है, सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रॉड सेल्स एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आई। ठीक, क्लियर, चलें
When vitamin A is an inadequate, the lack of redoption make it difficult to see in dim light. ठीक है, अब अगर बेटा आपके पास विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में ना हो, ठीक है, यहाँ वो क्या हो, एब्सेंट हो, लैक ऑफ विटामिन ए क्या होगा, जब विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो रिडॉप्शन है ये भी नहीं बनेगी प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, क्या होगा, लैक ऑफ रिडॉप्शन मेक इट डिफिकल्ट टू सी, लैक ऑफ विटामिन ए क्या होगा, इसकी वजह से ही आपके पास रिडॉप्शन भी नहीं बनेगी, ठीक है, जब आपके पास रिडॉप्शन भी नहीं बनेगी तो जो आपके पास आपको नजर आना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट, डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट, बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये विटामिन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हमने विटामिन ए देखा क्या करता है, एक ऑक्सिन प्रोटीन के साथ आके कंबाइन करता है और क्या बनाता है, रिडॉक्सिन, ठीक है, अब ये जो रिडॉक्सिन है ये कहां प्रेजेंट होती है, रॉड सेल्स के अंदर, रॉड सेल्स कहां पे है, आई के अंदर, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो विटामिन ए है वो किसको इफेक्ट करेगा, आपके विजन को, आपने आपके देखने की ताकत को, ठीक है, विटामिन प्रॉपर नहीं होगा या कम होगा तो जो आपके पास रिडॉक्सिन है वो नहीं बनेगी, जब रिडॉक्सिन नहीं बनेगी तो आप डिम लाइट में अच्छे से नहीं देख सकेंगे, क्लियर, चलें जी, अब इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो आपके पास विटामिन ए है इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सेल डिफरेंशिएशन, अब ये सेल डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी बेटा आपके पास जो बुक में मार्क की गई है, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स, ठीक है, अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म into mature cells, ठीक है, cell differentiation मतलब cells का differentiate होना, एक दूसरे से अलग होना, जो organ उन्होंने बनाना है उसमें उसका क्या होना, develop होना, शुरू में बेटा आपके पास जो cells होते हैं embryonic stem cells होते हैं वो similar होते हैं, लेकिन फिर different जो cell के according जो वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं उनका क्या हो जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जो विटामिन ए है आपके पास वो सेल डिफरेंशिएशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, चले, इसके अलावा ये क्या काम करता है, विटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन, ठीक है, ऑल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ मतलब हड्डियों की ग्रोथ में, बोन ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम के प्रॉपर दिफाई निजाम के प्रॉपर काम करने के लिए भी, आपको बीमारियों से बचाने के लिए भी, जो सिस्टम है आपकी बॉडी में जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये जो आपके पास विटामिन ए है ये क्या है, जरूरी है, चले अब आते हैं बेटा इसके सोर्सेज पे, जो आपके पास विटामिन ए है इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसको हम कहां कहां से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, चलिए जी, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, इसके अगर हम बेटा सोर्सेज की बात करें तो आपके पास ह्यूमन गेट विटामिन ए फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ऐसी सब्जियां जिनके साथ पत्ते होते हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स पहला आ गया जी आपके पास, लीफी वेजिटेबल्स, अब कौन कौन सी हैं, स्पेनिश आ जाती है बेटा पालक, ठीक है, इसके अलावा कैरेट, ठीक है, इनमें क्या होता है आपके पास विटामिन ए होता है, इसके अलावा येलो और ऑरेंज फ्रूट्स, येलो और ऑरेंज
फ्रूट्स जिनमें आ जाएगा आपके पास ये एग्जांपल के तौर पे मैंगो, ठीक है। इसके अलावा जी लीवर, फिश, एग, मिल्क, बटर। लीवर, फिश, एग, मिल्क एंड बटर, ये सारे के सारे बेटा इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। अलग से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, लीवर, फिश, मिल्क एंड दी बटर, क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिशिएंसी का। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी आपके पास तो उसके नतीजे में क्या होगा, इतना तो हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी विजन है बेटा वो क्या, वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। आपको डिम लाइट में नजर आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन, ठीक है। इट कॉज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, ठीक है। चले अंधापन, इसके अलावा बेटा जी क्या है, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द नाइट ब्लाइंडनेस। अब बेटा हमें किस तरह से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं किसी पर्सन में जो विटामिन ए की कमी है तो उसकी एक सिम्टम है, एक अलामत है, सिम्टम। तो अगर सिम्टम देखें वो क्या है आपके पास, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस के लोगों को जो रात को नजर आना वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या खत्म हो जाता है। ये किसकी अलामत है कि आपके पास जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी है, उस अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करें ताकि आपको मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो, ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी कंडीशन, नाइट ब्लाइंडनेस बेटा परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी कंडीशन है, बट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब अगर हम इस नाइट ब्लाइंडनेस को इसका इलाज ना करवाएं, विटामिन ए प्रॉपर मोड में ना लें तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट, इट कैन रिजल्ट इनटू, कहां बेटा, पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस थी लेकिन अब क्या हो जाएगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस हमेशा के लिए, परमानेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी क्योंकि विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, रोडोप्सिन नहीं बनेगी, रोडोप्सिन नहीं बनेगी, रॉड सेल अपना काम नहीं करेंगे, रॉड सेल जब अपना काम नहीं करेंगे तो आपके पास जो आपको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा एक और डेफिशिएंसी की इसकी जो आपके पास आती है, आल्सो कॉल्ड अ कंडीशन व्हिच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद द केराटिन, ठीक है। डेफिशिएंसी में बेटा एक और पॉइंट आता है आपके पास, अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है उसमें, अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद व्हाट, विद केराटिन, ठीक है। कि जो बेटा आपके हेयर फॉलिकल्स हैं जहां से आपके बालों की जो रूट्स हैं उन्होंने निकलना होता है वहां से बेटा वो प्लग्ड हो जाते हैं, किसके साथ, केराटिन के साथ। केराटिन आपके पास बेटा एक प्रोटीन है, ठीक है। केराटिन गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन, गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन, बेटा जो आपकी स्किन है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्लियर। चले जी ये आ गया बेटा आपके पास इसके, इसकी डेफिशिएंसी। दो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, पहले पॉइंट में हमने देखा है कि जब आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो देखने की ताकत है, जो आपकी विजन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस पहले आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो शो करेगी कि आपके जो विटामिन ए का लेवल क्या है, कम है। अब अगर हम उस विटामिन ए के लेवल को कम ही रहने दें, उसको इंक्रीज ना करें, उसको ट्रीट ना करवाएं, तो परमानेंट बेटा ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है,
कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने देखा है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी केराटिन के साथ क्या हो जाती हैं, प्लग्ड हो जाती हैं और जो स्किन को एक ड्राई सा क्या देती हैं, टेक्सचर देती हैं। क्लियर? चलिए जी, विटामिन ए बेटा कंप्लीट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग किस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर विटामिन ए या व्हाट इज विटामिन ए, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए बेटा, चौथा क्वेश्चन आपसे इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलें जी, यहां बेटा हमारा विटामिन ए का जो टॉपिक था वो हुआ खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आपके पास विटामिन सी, ठीक है। अब विटामिन सी को डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो विटामिन सी है इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी जो डिजीजेज हैं वो कॉज हो रही हैं। चलें आगे बेटा, हमारे पास विटामिन सी, विटामिन सी पार्टिसिपेट इन मेनी रिएक्शंस, ठीक है। इट इज नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसका फंक्शन, इट इज नीडेड टू फॉर्म कोलेजन। अब ये कोलेजन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कोलेजन है आपके पास अ फाइबरस प्रोटीन है दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन क्या है आपके पास, अ फाइबरस प्रोटीन दैट गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कोलेजन के बनाने के लिए ये जो आपके पास विटामिन सी है ये बहुत जरूरी है। और ये जो कोलेजन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको बनाने में और उनको स्ट्रेंथन करने में ये क्या करती है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से कोलेजन इज नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। यही जो कोलेजन है आपके पास ये आपके जो बोन्स हैं उनको भी हील करने में क्या जरूरी होती है, हीलिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। इस तरह से आपसे कोलेजन का फंक्शन भी पूछा जा सकता है। क्या दो फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, पहला क्या है कि ये कनेक्टिव टिश्यू को बनाने और उनको सपोर्ट करने, स्ट्रेंथन करने में, और दूसरा क्या है हीलिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। चलें जी, विटामिन सी इन व्हाइट ब्लड सेल्स एनेबल द इम्यून सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली। अब ये जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इन्होंने अपना काम करना होता है इम्यून सिस्टम में, ठीक है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो विटामिन सी है ये व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या है जरूरी होता है। चलें जी, नेक्स्ट आ रहे हैं बेटा इसके सोर्सेज, ठीक है, विटामिन सी के सोर्सेज। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ये जो है बेटा आपके पास सोर्सेज में आते हैं आपके पास सिट्रस फ्रूट, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स के अलावा बेटा आते हैं जी आपके पास यहाँ पे बीफ लीवर, ठीक है, बीफ लीवर एक्सेट्रा। चलें डेफिशिएंसी पे आते हैं, डेफिशिएंसी क्या करेगी, कॉजेस कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंसी है आपके पास चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू, चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बनाने में जरूरी था। इसमें क्या होगा आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा द डिजीज नोन एज स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से, स्कर्वी, व्हाट इज स्कर्वी। स्कर्वी बेटा आपके पास एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन इन दिस कंडीशन
this synthesized collagen is unstable. ठीक है, this is a disease due to the lack of vitamin C. ठीक है, होता क्या है, synthesized collagen is unstable. ठीक है, कि जो आपके पास कोलेजन बनता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज बनाने हैं वो क्या होता है, आपके पास अनस्टेबल होता है. ठीक है, सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं बेटा, मसल्स एंड जॉइंट पेन. ठीक है, स्वॉलन सिम्टम्स, ये अब नेक्स्ट आ रहे हैं बेटा इसकी सिम्टम्स. अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल एंड जॉइंट पेन, इसके अलावा ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स. ठीक है, चले इसके अलावा बेटा क्या है कि जी स्लो बाउंड हीलिंग एंड दी ड्राई स्किन, ये बेटा आ गए इसके पास, इसकी डिफरेंट सिम्टम्स आ गए. ठीक है, चलें आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही. दो हमने विटामिंस डिटेल में डिस्कस किए हैं, इनके सोर्सेस, इनकी जो डेफिशिएंसी, इनसे होने वाली डिजीजेस और इनका फंक्शन जो है वो सारा बेटा आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है. अल्लाह हाफिज़.